सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 11 फिजिक्स रिलेटिव मोशन के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे बोर्ड्स की तैयारी और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन इन वन डायमेंशन। हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन इन टू डायमेंशन अलग से पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक बटन ज़रूर दबाएं। तो देखते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन इन वन डायमेंशन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। मतलब यहाँ पे अगर ये दो पार्टिकल हैं ए और बी, तो इन ए और बी के पार्टिकल ना सेंटर टू सेंटर जॉइनिंग लाइन के अलोंग इन दो पार्टिकल के वेलोसिटी के कंपोनेंट्स का रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब ए के बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी बोलो या बी के ए के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी बोलो, वही उसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन हो जाएगा। और क्योंकि हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो भी कंपोनेंट होगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम ही होगा, या तो दोनों पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में आएंगे या एक डायरेक्शन में अवे जाएंगे, यही दो हो सकता है सिचुएशन। तो टू डायमेंशन में कुछ और होगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, इफ सेपरेशन इज डिक्रीजिंग इट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जैसे यहाँ पे इन दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन दूरी घट रही है, देयरफॉर डिक्रीज करेगा सेपरेशन तो वो आपका कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। और दूसरे सिचुएशन में अगर सपोज ये 10 और 12 से अवे जाते हैं, उनके बीच का सेपरेशन दूरी बढ़ती, तो उस केस में वो डिफाइंड होता मेरा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन करके। नेक्स्ट है, इन वन डायमेंशन इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब वन डायमेंशन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बोलो या बी विद रेस्पेक्ट टू ए की वेलोसिटी। हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है तो प्लस आई क्या। सिमिलर वे में वेलोसिटी ऑफ बी क्या लिख सकते हैं, ये है 12 मीटर पर सेकेंड माइनस एक्स एक्सिस में आ रहा है, देयरफॉर दिस इज माइनस आई क्या। अब मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालता हूँ तो बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा वी ए माइनस क्या बन के आएगा वी बी। अब वेलोसिटी ऑफ ए आपने कितना लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस आई कैप, वैसे बी की वेलोसिटी कितनी लिखी है माइनस 12 मीटर पर सेकेंड प्लस आई कैप, तो 10 माइनस माइनस 12 इज प्लस 22 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ये आया मेरा ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। अब सिमिलर वे में निकालता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है मेरा, वेलोसिटी ऑफ बी है माइनस 12 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है प्लस 10 आई कैप, तो माइनस 12 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 22 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो ये ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो प्लस 22 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, और बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो ये माइनस 22 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। इसको हमने कैसे देखा था, रोकने वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ बी को रोकना है। बी को रोकने के लिए आपने क्या किया, जैसे अगर ये बॉडी ए ये बॉडी बी, यहाँ पे ए आगे आ रहा है 10 से और बी पीछे आ रहा है 12 से, तो इसको हम शॉर्टकट में क्या करते थे, बी को रोकना है तो 12 आगे लगाओ, इस पर 12 आगे लगाया तो ये भी 12 आगे लगा, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ए जो बॉडी है वो तो 22 से आगे आ रहा है और बी बॉडी रुका हुआ है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनकी वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 22 मीटर पर सेकेंड आई कैप हो जाएगी। सिमिलर वे में यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ए और बी है तो ये आपका 10 से आ रहा है, ये आपका 12 से आ रहा है, यहाँ पे किसको रोकना है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ए की बात हो रही है तो ए को रोकना है, तो ए पे 10 पीछे, इस पे भी आपने 10 पीछे लगाया, तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ए तो रुक गया 10-10 बैलेंस किया, और बी जो है वो मेरा पीछे कितने से आ रहा है
22 से आ रहा है, तो इसीलिए -22 मीटर पर सेकंड क्या बन के आया, आई कैप। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी की तरफ आ रहा है या बी ए की तरफ आ रहा है, मतलब अप्रोच होगा यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके बीच की दूरी घट रही है, देयरफॉर ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर मैं बताने जाऊँ ना, क्योंकि यहाँ पे दूरी घट रही है, तो जो मैग्नीट्यूड है रिलेटिव वेलोसिटी का 22 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड 22 मीटर पर सेकेंड, वही मैग्नीट्यूड आपका क्या कहलाता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। ये वन डायमेंशन में हमने डिस्कस किया। तो आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले। सबसे पहला केस है यहाँ पे ए 10 से आगे जा रहा है, बी भी 12 से आगे जा रहा है सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन पता करने के लिए जो छोटी वाली वेलोसिटी है उसको रोके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ए की वेलोसिटी 10 छोटा है, तो ए को रोकने के लिए 10 पीछे लगाया, इस पर भी 10 पीछे लगा। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ए तो रुक गया 10 और 10 बैलेंस, पर बी जो है वो 12 आगे 10 पीछे, मतलब 2 क्या हुआ आगे, 2 मीटर पर सेकंड आगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं बी ए से अवे जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ क्या डिफाइंड होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो कितना निकल के आया मेरा, इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। हम ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आगे वाले की स्पीड ज्यादा है पीछे वाले से, तो इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सिमिलरली में आते हैं सेकंड नंबर पे, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में हम पता करना चाहते हैं, तो जो छोटा वेलोसिटी है उसको रोकिए, ये 12 और ये 10, तो यहाँ छोटी वेलोसिटी किसकी है, बी की, तो बी को रोकने के लिए 10 पीछे, इस पे 10 पीछे, तो इस पे भी 10 पीछे। अब क्या देख सकते हैं, ए जो है 12 आगे 10 पीछे, तो 2 आगे, और यहाँ पे B तो क्या हो गया मेरा, रुक गया 10 और 10 बैलेंस। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ये A B की तरफ जा रहा है, देयरफॉर यहाँ पे डिफाइंड होगा मेरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे देख सकते हैं पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी घटेगी, देयरफॉर यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिफाइंड होगा। सिमिलर वे में यहाँ पे जिसका स्पीड कम है उसको रोकिए, तो 12 और 10 डायरेक्शन कोई वैल्यू नहीं रख रहा अपना, तो 10 से पीछे जा रहा है, इसको रोकने के लिए 10 आगे, इस पर भी मैंने 10 आगे लगाया, तो मैं देख सकता हूँ ए तो रुक गया 10 और 10 बैलेंस, और बी जो है उसकी बी की नेट वेलोसिटी कितनी है, 22 आगे की तरफ है, तो इस केस में यहाँ पे बी ए से अवे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या डिफाइंड होगा मेरा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड। यह है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ऐसे भी देख सकते हैं दोनों एक दूसरे से अभी जा रहे हैं, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 3 केसेस जिसमें हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन निकालना सीखा। तो आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन पे क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन है मेरा, जैसे ये बॉडी ए 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है और ये बॉडी बी भी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है, इन दोनों का ये कॉन्स्टेंट डिस्टेंस बना हुआ है 100 मीटर। अब ये बॉडी सी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से पीछे आ रही है, यहाँ पूछा गया है फाइंड टाइम इंटरवल बिटवीन सी मीटिंग बी एंड सी मीटिंग ए। जब ये सी पहले बी को क्रॉस करेगा और फिर सी ए को क्रॉस करेगा, तो सी बी को क्रॉस करने से लेके सी ए को क्रॉस करने तक इसका कितना टाइम स्पेंट हुआ होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन से करते हैं। किसी एक बॉडी को रोक दिया जाए, जैसे मैं ए को रोकता हूँ, तो ए को रोकने के लिए मैंने क्या लगाया, 10 मीटर पर सेकंड पीछे लगाया। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे आप ए को रोकने के लिए 10 मीटर पर सेकंड पीछे लगाएंगे, तो इनकी ओरिजिनल वेलोसिटी ये रही, ये भी 10 मीटर पर सेकंड आगे और ये मेरा 10 मीटर पर सेकंड कहाँ है, पीछे। तो अब रोकने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ए को रोकने के लिए 10 मीटर पर सेकंड पीछे लगाया जाए, तो इस पर 10 मीटर पर सेकंड अगर मैं पीछे लगाता हूँ, अब इस बॉडी पे पीछे लगाया मतलब इस सिस्टम में जितनी बॉडीज है सब पे पीछे लगाया जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी आप 10 मीटर पर सेकंड क्या लगाएंगे, पीछे। तो हम क्या देख सकते हैं, ये बॉडी ए तो रेस्ट पे हो गई क्योंकि 10 और 10 बैलेंस कर गया। सिमिलर वे में ये बॉडी बी भी रेस्ट पे आ गई, 10 और 10 बैलेंस कर गया, और जबकि ये सी बॉडी जो मैं देख रहा हूँ, सी बॉडी की नेट स्पीड पीछे कितनी हो गई, 10+10 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और इन ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना बना हुआ है, 100 मीटर।
तो यहाँ पे एक्सेलरेट तो कर नहीं रही, सभी का एक्सेलरेशन जीरो है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, तो हम क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम टी, हाफ ए रिलेटिव इनटू टी स्क्वायर वाला पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, 100 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे c की, 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम t। यहाँ से t कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू मेरा 5 सेकेंड, मतलब c b को क्रॉस करेगा फिर c a को क्रॉस करेगा, उसमें कितना टाइम स्पेंड हुआ होगा आपका, 5 सेकेंड। तो ये है स्टूडेंट आपका इस है ना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन पे क्वेश्चन, यहाँ तक आप। अगला क्वेश्चन करते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन पे, ए एंड बी आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड के बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी ये पूछा गया है। तो ए और बी के लिए मैं उत्सव लिखता हूँ, तो ए के लिए बात करूं, ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, और बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये वाई डायरेक्शन में लिख रहा हूं, 10 मीटर पर सेकेंड मेरा ऊपर की तरफ। अभी हम रेक्टिलिनियर मोशन का कॉन्सेप्ट से करेंगे, फिर हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन से करेंगे। इसी क्वेश्चन को दो टेक्निक से सिखाऊंगा। तो पहले तो बेसिक तरीका है, इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगता है, नीचे -10, और इस पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 नीचे लगेगा। टाइम दोनों में कितना स्पेंड हुआ, 1 सेकेंड। यहाँ पे भी कितना टाइम स्पेंड हुआ आपका, 1 सेकेंड। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बात करें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया जाए इस केस के लिए। तो ये a बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, तो s इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यू टी, यू कितना है 5, टी कितना है 1, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर, ये आया 5 और 2 बाई काटते हुए 5, तो 5 - 5 = 0, मतलब ए बॉडी एक सेकेंड में ऊपर जाके फिर वापस नीचे पहुंच गई होगी, मतलब ग्राउंड पे पहुंच गई होगी। एंड सिमिलर वे में बी बॉडी के लिए लिखूं, एस इज इक्वल टू बी बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो बी बॉडी का लिख सकता हूँ यू टी, यू है 10, टी है 1, हाफ एक्सीलरेशन आपका -10 इंटू टी स्क्वायर, ये आया 10 - 5, डैट इज 5 मीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बॉडी तो ग्राउंड पे पहुंच गया होगा और बी बॉडी जो है वो कहीं यहाँ पे होगा ग्राउंड से कितने हाइट पे, एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो इन दोनों के बीच के सेपरेशन आफ्टर 1 सेकेंड कितना दिख रहा है, 5 मीटर। तो आप क्या बोल सकते हो, आंसर इज इक्वल टू 5 मीटर। ये तो हुआ आपका रेक्टिलिनियर मोशन के कॉन्सेप्ट से, अब इसे अप्रोच या सेपरेशन वाले कॉन्सेप्ट से भी करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप रिलेटिव कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जिसकी स्पीड कम है उसको रोकते हैं। तो जैसे ए की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको रोकने के लिए मैं 5 मीटर पर सेकेंड क्या लगाऊंगा, नीचे। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, ये मेरा ए ऊपर जा रहा था 5 से और बी ऊपर जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जिसके स्पीड कम है उसको रोकने के लिए, मतलब इस पर 5 मीटर पर सेकेंड नीचे लगाया, इस पर 5 नीचे लगाया, तो इस पर भी 5 नीचे लगेगा। तो हम क्या देख सकते हैं, ए तो रुक गया और बी जो है, बी आपका 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, मतलब इसके रिलेटिव इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कितना बोल सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड, ऊपर है तो +5। टाइम रिलेटिव तो होता नहीं, जितना इसके रिस्पेक्ट में बीता होगा, तो टाइम इज़ नॉट अ रिलेटिव क्वान्टिटी, हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लगेगा, इसमें भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लगेगा। अगर आप एक रेस्पेक्ट में बोल रहे हो तो जी ऊपर लगाएंगे, तो इस पर भी जी ऊपर लगेगा, तो नेट रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा मेरा, 0। अब यहाँ पर लगाता हूँ, एस रिलेटिव इज इक्वल टू इक्वेशन मेरा यू रिलेटिव इन टू टी प्लस आएगा हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो हम लिख सकते हैं एस रिलेटिव इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5, टाइम कितना है 1, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो मेरा 0,
तो यहाँ से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड कितना निकल गया आपका, 5 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। हमने ये देखिए 3 लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। इस क्वेश्चन को हमने रेक्टिलिनियर मोशन में भी सॉल्व किया था। तो यहाँ पे क्या है, टावर है, टावर की हाइट कितनी है, 150 मीटर। यहाँ से ए स्टोन थ्रो किया गया नीचे 20 मीटर पर सेकेंड, और इसी लाइन के अलॉन्ग बी स्टोन थ्रो किया गया ग्राउंड से फुट ऑफ टावर से 30 मीटर पर सेकेंड ऊपर पे। तो ये कहीं ना कहीं जाके कोलाइड करेंगे एक दूसरे से। तो जहाँ पे कोलाइड करेंगे वो टाइम कितना होगा और किस पोजीशन पे जाके कोलाइड करेंगे, ये हमें पूछा गया है। तो लेट से ए स्टोन यहाँ पहुँचता है और बी स्टोन आपका यहाँ पहुँचता है, और मैं डिस्टेंस पता करना चाहता हूँ लेट्स से ग्राउंड से, ये एक्स डिस्टेंस हुआ, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ आपका, 150 माइनस एक्स हुआ। अब क्या करते हैं, ए और बी के लिए लिखते हैं उत्सव। तो ए के लिए उत्सव बोलूँ तो इनिशियल वेलोसिटी ए की क्या है, माइनस 20 नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ नीचे की तरफ, दैट इज माइनस ऑफ 150 माइनस एक्स। फिर हम बात करें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे लग रहा होगा माइनस 10। सिमिलर वे में बी के लिए बात की जाए तो बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर प्लस 30, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऊपर है प्लस x, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लगेगा, तो ये आपका माइनस ऑफ 10। अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे दोनों में टाइम तो सेम ही बीतता होगा, जितना टाइम यहाँ से यहाँ गया होगा ये बी बॉडी, उतना ही टाइम में ए बॉडी नीचे आया होगा। अब इसके लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो s तो है 150 माइनस एक्स, u है मेरा माइनस 20 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस काटा तो ये आया 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 20t प्लस दिस बिकम्स 5t स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया जाए, 1। सिमिलर वे में आता हूँ इसमें लगाने में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, तो s तो है प्लस एक्स, u कितना है 30, और टाइम कितना है t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से मेरा x कितना आया, x आया 30t माइनस 5t स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, x 30t माइनस 5t स्क्वायर वहाँ पुट कर रहा हूँ, तो 150 माइनस ये है 30t माइनस 5t स्क्वायर, और राइट साइड में क्या है आपका, राइट साइड में 20t प्लस 5t स्क्वायर, तो ये है 20t प्लस 5t स्क्वायर। क्या किया जाए, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, तो 150 माइनस 30t प्लस 50 स्क्वायर, और राइट साइड में मेरा 20t प्लस 50 स्क्वायर। यहाँ से क्या देख रहे हैं, 50 स्क्वायर से 50 स्क्वायर कैंसिल हुआ, 30t राइट साइड में आएगा, तो 30t प्लस 20t हो गया 50t, और लेफ्ट साइड में हमारा 150। यहाँ से टाइम कितना आ गया, कितना टाइम स्पेंट हुआ अगर बात की जाए, तो टाइम स्पेंट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। दो बॉडी 3 सेकेंड के बाद एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, आपस में कोलाइड कर जाएंगे। ये तो हो गया टाइम इंटरवल। अब पता करते हैं किस पोजीशन पे जाके, ग्राउंड से किस पोजीशन, मतलब x निकालते हैं। तो x निकालने के लिए यहाँ t सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू ये है 30 इंटू टी है 3 माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर, टी है मेरा 3 का होल स्क्वायर, ये आया x इज इक्वल टू आपका 90। फिर आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ 5 इंटू 9 जा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 9 जा अपना 45 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 45 मीटर। मतलब जो बी बॉडी है, बी बॉडी कितना डिस्टेंस जाके कोलाइड कर रही है आपकी, बी बॉडी कोलाइड कर रही है 45 मीटर। तो ये ए बॉडी कितना डिस्टेंस नीचे जाके कोलाइड कर रही है टॉप ऑफ टावर से, 105 मीटर। तो ये है स्टूडेंट आपका रेक्टिलिनियर कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसे अप्रोच या सेपरेशन से किया जाए, तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। इसे रिलेटिव अप्रोच से किया जाए तो हमें यू रिलेटिव, टी, एस रिलेटिव, ए रिलेटिव, वी रिलेटिव निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाली बॉडी को रोक देते हैं। सबसे ऊपर वाली बॉडी को रोकने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये ए ये बी है, ये 30 से ऊपर जा रहा है,
ये आपका 20 से नीचे आ रहा है, ऊपर वाले को रोकने का मतलब ऊपर वाली बॉडी पे 20 ऊपर लगाया, तो इस पे भी 20 क्या लगाया जाएगा ऊपर, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, अब ऊपर वाली बॉडी तो रुक गई और नीचे वाली बॉडी जो है वो ऊपर जा रही है कितने स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड। ये तो इनका इनिशियल वेलोसिटी हो गया है ना, और ऊपर की तरफ है तो प्लस 50 मीटर पर सेकेंड। मुझे पता करना है कितने टाइम में मीट करेगी और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब ये रुका हुआ है तो ये यहाँ से यहाँ जाके कितना डिस्टेंस कवर करेगा, प्लस 150 मीटर। और रिलेटिव एक्सेलरेशन बोलूँ तो इस पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लगेगा और इस पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लगेगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन पता करना हो तो जी इस पर ऊपर लगाया तो इस पर भी जी ऊपर लगाएंगे, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। अब हम पता करना चाहते हैं टाइम, तो क्या लिखा जाए, एस रिलेटिव इज इक्वल टू, लिखा हुआ है यू रिलेटिव इंटू टी, हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, जीरो हो गया। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, 150 मीटर, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आपकी 50 इंटू टाइम टी, यहाँ से टाइम कितना आया मेरा 3 सेकेंड। तो ये तो आपका शॉर्टकट तरीका हो गया, टाइम आ गया। अब हमें पता करना है कितना डिस्टेंस पे जाके कोलाइड करेगी, तो लेट से किसी एक में लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे B कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो एस बी इज इक्वल टू U कितना आपका 30 इंटू टी कितना है 3 प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव, यहाँ रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं लगा के हम सीधा डिस्प्लेसमेंट फॉर बी निकाल रहे हैं, तो ये आ गया मेरा 90 और ये 5 इंटू 9 जा 45, तो यहाँ से आया 45 मीटर। मतलब मैं बोल सकता हूँ बी जो बॉडी है वो 45 मीटर डिस्टेंस कवर की होगी और ए बॉडी जो है उसने, अगर इसने 45 किया तो 150 माइनस 45 डेट इज 105 मीटर। तो ये है आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टेक्निक से यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। तो रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं, उसको मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ए एंड बी बोथ हैव स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ए इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, ये ए बॉडी है, ए और बी दोनों की स्पीड 10 है पर ए जो है ईस्ट की तरफ जा रही है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वेर एज वाइल बी इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर हो गया है ना, ये आपकी 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रिलेटिव पता करनी है, तो हम ए की वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए की वेलोसिटी हम लिख सकते हैं 10 आई कैप आगे जा रही है, वैसे ही अब बी की वेलोसिटी कितना लिख सकते हैं, बी की वेलोसिटी आप लिख सकते हैं 10 क्या लिख सकते हैं ऊपर जा रही है तो जी क्या। अब हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाता है, वी ए माइनस वी बी। चलिए वी ए माइनस वी बी का मतलब वी ए हो गया आपका 10 आई कैप एंड वी बी है आपका 10 जे कैप, तो यहाँ पे 10 कैंसिल नहीं होगा, इसे हम वेक्टर में पढ़ा था 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखाने की कोशिश करूँ, 10 आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में 10 और माइनस 10 जे कैप मतलब वाई एक्सिस में माइनस 10, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, और वही आपका इस वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो अगर मुझे पता करना हो इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, रिलेटिव है ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड के हम क्या कह सकते हैं, आई कैप और जे कैप का कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिए, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर डेट इज 10√2। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात की जाए इसके डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा कैसे निकालेंगे, ये तो है आपका वी ए बी, एक्स वाला कंपोनेंट कितना है 10 और ये वाई वाला कंपोनेंट 10, ये एंगल थीटा, यहाँ से देख सकता हूँ टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज 1, टैन थीटा 1 किस एंगल के लिए होता है, टैन थीटा इक्वल टू 1 फॉर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 45 डिग्री, तो डायरेक्शन में बोल सकता हूँ 45 डिग्री क्लॉकवाइज दैट इज माइनस 45 डिग्री विथ किस एक्सिस के साथ, प्लस एक्स एक्सिस के साथ। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला टेक्निक से आपने रिलेटिव वेलोसिटी को निकाला। अब शॉर्टकट करते हैं, जैसे हम वन डायमेंशन के लिए करते थे, तो हम क्या कर रहे हैं, जिस किसी एक को रोका जाए, यहाँ किसको रोकने से मतलब है
विद रेस्पेक्ट टू बी बोला है तो बी को रोकिए। तो बी को रोकने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये ए है, ये आपका बी है, ये 10 से आगे जा रहा है और ये 10 से ऊपर जा रहा है, तो बी को रोकने का मतलब बी अगर 10 से ऊपर जा रहा है तो इस पर 10 क्या लगेगा, नीचे, और इस पर भी 10 क्या लगेगा, नीचे। अब हम क्या देख सकते हैं, बी तो रुक गया, अब बी के रेस्पेक्ट में ए बॉडी जो है वो 10 आगे जा रही है और 10 नीचे आ रही है, दैट इज 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, जिसको हमने इस तरीके से भी देखा था। अगर फॉर्मूला ना यूज करके रोकने वाला टेक्निक यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट आपका रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन पे क्वेश्चन, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। तो स्टूडेंट ये था रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन पे कुछ क्वेश्चन और उसके बारे में डिस्कशन। होप आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया जरूर से वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को ग्रो कराएं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।